हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं हूँ होम अलोन और इसीलिए आई हैव टू मेक सम फूड, सो लेट्स कुक विद मी। अकेले रहते रहते मुझे काफ़ी कुछ बनाना आ चुका है और ऐसा नहीं है कि मुझे कुकिंग नहीं पसंद, आई लाइक कुकिंग। और जैसे कुछ से सर्वाइवल टाइप खाना मुझे बनाना आता है, तो इसीलिए आज मैं कुछ ऐसे कुछ स्पेशल नहीं बनाया, आई एम जस्ट मेकिंग फ्राइड राइस। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने देखो गार्लिक जो है वो कट कर ली है एंड द वर्स्ट पार्ट इज स्टिल लेफ्ट, जो कि है ये प्याज को कट करना। प्याज का जो वो तीखा तीखा होता है वो आँख में ना लगे, इसीलिए इसको पहले ही मैंने जो है इस पानी में डाल दिया था एंड अब इसको मैं कट कर लेती हूँ। बिकॉज ऑल्सो आज मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ और ये मैं अपने रास्ते के लिए खाना बना रही हूँ, बिकॉज मुझे ट्रेन का खाना इतना पसंद नहीं है और मेरी मम्मी को अभी एमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, उस वजह से आई एम मेकिंग इट माई सेल्फ। और ये मैं आप अपने मतलब ऐसे ट्रैवल के लिए बना रही हूँ, तो लेट्स सी ये कैसा बनता है। आई होप कि ये टेस्टी बने। ये देखो राइस बॉईल हो गई है, बस थोड़ी गीली हो गई है। अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं इसको फ्राई करके। अभी इस पैन को पहले गर्म करेंगे और इसमें मैं डाल दी तो ये मेरे ख्याल से आपका व्यू ब्लॉक कर रहा है। बस अब मैं रिफाइन, ठीक है, सरसों का तेल हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं चाइनीज फंगी गार्लिक। फंगी गार्लिक ज़्यादा मतलब ऐसे पके ना, उससे पहले ही हम इसको ऐसे शेक कर लेंगे, मतलब स्टर करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हमारे अनियंस, ठीक है। मैं ऐसे रहा इसमें देखो ये हो रहा है फ्राई। अभी मैं ऐड करनी थोड़ी बैठी, अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ मैंने बॉईल किए हुए राइस था, वो थोड़ा सोया सॉस और एंड ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है। ये बन चुका है, अब इसको मैं करूँगी सर्व और मैं थोड़ा करूँगी इसको टेस्ट। रेडी है हमारा फ्राइड शेजवान, तो नहीं कहेंगे बट हाँ माय फ्राइड राइस। इतनी तेज बारिश हो रही है और आज मुझे निकलना भी है, पता नहीं मैं कैसे निकलूँगी यहाँ से, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। लेट्स सी मी एंड माय स्ट्रगल्स। तो मौसम साफ हो चुका है और अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे स्टेशन के लिए। जब मुझे स्टेशन ड्रॉप करने जा रही है और बाय बाय हनी बनी, बाय बाय, आई मिस यू, आई मिस यू, बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो चलते हैं। अब हम जा रहे हैं, चलो ये देखो तैयार हो चुके हैं। मैं एक्चुअली मनीषा रानी स्टाइल में व्लॉग कर रही हूँ, ठीक है। तो एक ही चीज़ भी कर सकती है, एक क्या कर सकती हूँ, टुडे आई। ये देखिए बारिश के बाद कितना ब्यूटीफुल रेनबो है, इसने मेरी जर्नी पे चार चांद लगा दिए, कितना ब्यूटीफुल है ना, पूरे रास्ते से देखते हुए गई हूँ। चाय लेने गई थी और उसको कॉफ़ी पकड़ा दी भाई जी, कॉफ़ी आ चुकी है। मैंने मेरे लिए कि चाय लेने गई थी पर चाय थी नहीं तो कॉफ़ी नहीं मिली उन्हें। और जब मैं घर पहुंची तो आई रियलाइज्ड कि यहाँ ताला लगा है और उसकी चाबी मेरे पास नहीं है, तो अभी ताला तोड़ने का प्रोसेस चल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरे स्ट्रगल्स, जिसमें क्या हुआ था कि मेरे रूम में लॉक लगा हुआ था एंड उसकी कीज़ मेरे पास नहीं थी, तो जो ताला है उसे तोड़ना पड़ा एंड मैं ऑलरेडी 3 घंटे पहले आ चुकी हूँ यहाँ और मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड थी। मैंने सोचा कि मैं आती धीरे ही कुछ खाऊँगी पीऊँगी पर 3 घंटे ताला तोड़ने में ही लग गया, इसीलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।